दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि डेंगू होने पे सबसे पहले क्या खाना चाहिए जिससे डेंगू तुरंत ठीक हो जाए। तो आज मैं कुछ ऐसे ही घरेलू नुस्खा लेके आया हूँ जिनको करने से आपको मात्र दो दिन में ही आपका रोगी चलने फिरने लगेगा। लेकिन इसको बड़ा ध्यान से देखेंगे और ये जो आप मैंने नुस्खा बता रहा हूँ ये बहुत ही कारगर है और मैं अपने गुरुदेव पे आजमाया था, उन्होंने बताया कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और दूसरे रोगी को मैं बताया जब वो एम्स में भर्ती था और 10 दिन हो गया लगातार उसको बुखार टूट ही नहीं रहा था, बताया एक चीज़ और वो चीज़ करने से ही दशहरा वो अच्छी तरह से घुमा और मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो आज मैं बिल्कुल ऐसे ही घरेलू नुस्खा बताया जो आप देख रहे हैं कि डेंगू के चलते पटना में पूरा अरफा तरफी मची हुई है, लोग हैरान हैं परेशान हैं। तो आज मैं बिल्कुल कारगर घरेलू नुस्खा लेके आया हूँ जो इन जंगलों में ही कहीं है। सबसे पहले क्या करें, जब डेंगू का फीवर बढ़ता ही जाता है तो हमारे शरीर के अंदर जो प्लेट्स होते हैं ना, प्लेट्स वो 4 लाख होते हैं, 4-3.5 लाख होते हैं, वो घटते 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 50,000 पे आ जाते हैं, 50,000 से 10,000 पे आ जाते हैं। तो आज मैं ऐसे कुछ घरेलू नुस्खा लेके आया हूँ जिसको करने से आपके प्लेट में भी बहुत बढ़ोतरी होगी और आपका जो फीवर वो कम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक केवी ले लेना है। केवी जो बाज़ार में मिल जाती है आसानी से फल के दुकान पे, केवी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो प्लेट्स को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। तो आपको केवी एक छील के खाना है, एक केवी या दो को भी खा लें। दूसरा जो चीज़ है वो है ड्रैगन फ्रूट, जो दिखने में बिल्कुल गुलाबी कलर का इस तरह का फूल के कलर के आपको दिखेगा ड्रैगन फ्रूट्स, जो ऊपर वाले छिलका को छिल के अंदर वाले पदार्थ को खाना है, वो भी आपको फल के दुकान में बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा, बिल्कुल आसानी इस तरह का होगा ड्रैगन फ्रूट्स। तो आपको ड्रैगन फ्रूट्स एक खाना है। तीसरा और चौथा जो सबसे पावरफुल नुस्खा है जिसको करने से रोगी आपका 2 दिन में ही खड़ा होकर चलने लगेगा, एकदम 2 दिन में बिल्कुल। इस वीडियो को अगर आपने गलत साबित कर दिया तो मैं YouTube पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है, मैंने अपने गुरुदेव को ठीक किया है। जो मेरे गुरुदेव 10 दिन से बीमार पड़े हुए थे, उनका बुखार टूट ही नहीं रहता। तो आप ये जो देख रहे हैं ना, भारत का बच्चा बच्चा। तो ये देखिए, ये जो पत्ते देख रहे हैं आप, ये रेड़ के पत्ते हैं, रेड़ के पत्ते। तो इसी तरह का एक मिलता जुलता पेड़ होता है, ये रेड़ के पत्ते आपको नहीं लेना है, इस बात का सदा ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसी से मैच खाता वो भी पत्ता होता है, उसको नहीं लेना है। दूसरा जो चीज़ ये जो आप देख रहे हैं, ये तीसरा जो चीज़ है ना, तीसरा चीज़ ये है पपीता के कुछ पत्ते, ये देख रहे हैं आपको गौर से देख लेना है। इसी तरह का एक मिलता जुलता रेड़ के पेड़ होता है, उसको आपको नहीं लेना है। ये पपीता के पेड़ है, बिना मतलब को आपको नहीं तोड़ना है, इसकी भी जीव होते हैं, ऐसे कीड़े खाए हुए पत्ते को नहीं लेना है आपको, बूढ़ा साफ सुंदर पत्ते ऐसे ले लेना है और एक पत्ते को तोड़ लेना है डंटी सहित, और डंटी काट कर इस पत्ते को पूरा आपको चटनी की तरह पीस लेना है। इसको पहले धो लेना है, पूरा अच्छी तरह से धोकर इसको बढ़िया से पोंछ लेना है। पोंछने के बाद इसको क्या करना है, आपको चटनी की तरह पीस लेना है, जैसे आप किसी भी चीज़ का, जैसे धनिया का चटनी पीसते हो उसी तरह का इसके पूरा रस निकाल लेना है। रस में कुछ भी नहीं मिलाना है और आपको इसको सुबह बासी मुँह ही पीना है, सिप सिप धीरे 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 करके। इस तरह करने से 7 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन 2 दिन में
2 दिन में आपका रोगी बिल्कुल खड़ा हो जाएगा, एकदम उठकर खड़ा हो गया, जब बिल्कुल आजमाया हो, मैंने अपने गुरुदेव पे आजमाया है। और चौथा जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल कारगर है और बिल्कुल आपके घर में, इसमें आपको दूध बंद कर देना है, दूध जो बंद कर देना है। और तो चौथा हमको देखिए, चौथा सबसे पावरफुल है, ये जो नुस्खा है ना, कुदरत कहते हैं ना, कुदरत का जब करिश्मा होता है तो अच्छे अच्छे का मुंह बोलती बंद हो जाती है। तो ये देखिए कुदरत का ऐसा करिश्मा है, इसके दूध आपको लेना है, दूध बकरी का दूध आपको लेना है, जो बहुत ही पावरफुल होता है। आपको कैसा भी बुखार या फीवर या डेंगू या मलेरिया या चिकनगुनिया भी अगर काट लिया है और आपका फीवर टूट नहीं रहा है तो आप बकरी का दूध ले सकते हैं। लेकिन जब भी आप ले तो ताज़ा दूध ले। बकरी के दूध में कुछ ऐसे गुण होते हैं ना जो फीवर को बिल्कुल 2 दिन में आपका रोगी बिल्कुल चला देगा। ये चौथा नुस्खा जो है सबसे कारगर है और बिल्कुल आसान है, आपको हर जगह मिलेगा। लेकिन जब भी आप इसको ले तो बिल्कुल ताज़ा दूध ले लें, सुबह में ले लें और शाम में, 2 टाइम ले लें, 2 दिन देखेंगे आपको, 2 दिन में आपका रोगी बिल्कुल चलने लगेगा। इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर हर लोग तक पहुंचा दे, जो पटना में आज पूरा हाहाकार मचा हुआ है डेंगू कर लेकर। मैं मेरे चैनल पे अगर पहली बार आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और मैं इसी तरह का नोटिफिकेशन बनाता रहूँगा। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इसको ज़रूर आजमाएं, ये मेरा वादा है कि आपको बिल्कुल ठीक कर देगा। ये मैंने अपने गुरुदेव पे आजमाया है, वो उन्होंने बताया बहुत ही अच्छा रिजल्ट, 2 दिन में वो दशहरा भी घूमने लगे हैं।